झांसी के चिरगांव क्षेत्र में ग्राम धवानी में बनी गौशाला के जानवरों को लेकर पिछले 17 दिन से विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते गौशाला संचालक ग्राम प्रधान का कहना है कि शासन द्वारा गौ पोषण के अंतर्गत आने वाली धनराशि की भुगतान न करने के कारण गौशाला चलाने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 20 नवंबर को ग्राम धमना बुजुर्ग में किसान नेताओं के साथ अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 5 दिसंबर तक गौ पोषण निधि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन जब 5 दिसंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान एवं गौशाला में कार्य कर रहे मजदूरों ने हंगामा किया। इधर प्रशासन ने गौशाला के जानवरों को वाहनों में भरकर चिरगांव एवं बड़ागांव ब्लॉक की अन्य गौशालाओं में भिजवा दिया। सोमवार तक 560 जानवर दूसरी गौशालाओं में पहुंच चुके थे। मंगलवार को फिर प्रशासन ने बड़ी संख्या में वाहनों को लाकर उन जानवरों को भरकर गौशालाओं में पहुंचवाया। इसका जब ग्राम प्रधान एवं मजदूरों ने विरोध किया तथा बकाए धनराशि की मांग की, तो इसी बात को लेकर आज सुबह से ही अधिकारियों के सामने हंगामा शुरू हो गया। बाद में CDO ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया तथा जानवरों को वाहनों में लोड कराया गया। चिरगांव से नाजमा आब्दी की रिपोर्ट। RK Events presents Jhansi's biggest modeling pageant, Mr. and Miss Jhansi and Kids Fashion Show 2020. Audition date 12 December 2020. Timing 12 pm to 3 pm. Venue Hotel Tulsi, Chitra Chauraha, Jhansi. ऐसा स्वाद और कहां? जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड और रानी। अरे यार, जो ससुर का चिरांद फैला रहे हो तुम। अरे सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर, तुम कान खोल के सुने थे कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए। इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.